इफ ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू निकालना है। तो ए प्लस वन बाई ए बराबर वन दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वन। एलसीएम ले लिए तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस वन बराबर ए, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बराबर जीरो। अब हम जानते हैं कि ए प्लस वन से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में ये तोड़ सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इतना बराबर हो गया जीरो, तो ये क्या हो गया फिर, ए क्यू बराबर क्या हो गया माइनस वन। तो ये माइनस वन आपका सी आंसर हो। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स बराबर फोर दिया हुआ है और वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी के, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स बराबर सिक्सटीन हो गया। ए से कट गया तो हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर सिक्सटीन प्लस टू बराबर एटीन। इसको अगर हम फिर से स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स बराबर थ्री ट्वेंटी फोर, एटीन का स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फोर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर थ्री ट्वेंटी फोर। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर थ्री ट्वेंटी फोर माइनस टू बराबर थ्री ट्वेंटी टू। ये हो जाएगा आंसर, ये आपका सी आंसर हो जाएगा।